बांका पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फुलडूमर थाना क्षेत्र के इनारवारम गांव से संचालित अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां अवैध रूप से हथियार बनाया जा रहा था। मेरी जानकारी के अनुसार बांका पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फुलडूमर थाना क्षेत्र के इनारवारम गांव में मिनी गन फैक्ट्री संचालित हो रही है। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने फुलडूमर थाना क्षेत्र के इनारवारम गांव में रामधनी राणा के घर पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने आरोपी रामधना राणा और पवन कुमार को दबोच लिया। घर की तलाशी लेने पर मिनी गन फैक्ट्री संबंधित कई आपत्तिजनक जो चीजें हैं वो बरामद की गई, जिसमें एक मिस फायर गोली, एक गोली का खोखा, 3 अर्धनिर्मित देसी कट्टा समेत कई निर्माण सामग्री बरामद की गई। वहीं दूसरी घटना में पुलिस ने 2 बदमाशों को मोटरसाइकिल सहित देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कल जो है हम लोगों को संध्या में कुछ सूचना मिला थाना प्रभारी एसडीपीओ साहब लोगों को कि इसमें कुछ लोग द्वारा गंभीर घटना को अंजाम देने के लिए कुनौनी की तरफ से जो है कुछ लोग आ रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन करने के लिए पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष बांका शंभू यादव के नेतृत्व में सत्यजीत कुमार, पवन कुमार, शिव कुमार, दीप नारायणी के साथ टीम का गठन किया गया। अब गठित टीम जो है लखन नोड़ी मोड़ पर सघन वाहन चेकिंग अभियान स्टार्ट कर दिया। तभी एक मोटरसाइकिल सवार से 3 व्यक्ति आ रहे थे, उनको पुलिस द्वारा रोका गया। रोकने में के क्रम में एक व्यक्ति उसमें भागने में भी सफल हो गया, परंतु एक व्यक्ति जो पकड़ाया नाम अपना नाम दो व्यक्ति जो पकड़ाए सॉरी मोहम्मद अमजद अंसारी और मोहम्मद साहिद और तीसरा मोहम्मद इरशाद अंसारी।